हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका जो डिवाइस है यहाँ पे, इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड को यूज़ कर पाएंगे। तो सिंपली फ्रेंड्स, पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर, और पोर्ट्रेट कैमरा सेटिंग को यूज़ करने के लिए, पोर्ट्रेट मोड कैमरा सेटिंग को यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को जैसे मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद जो है यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलता है साउंड का, जैसे मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, तो इसको मैं पहले इसको रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे के बाद जो है यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, इसको फोकस कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, तो देखिए मैं यहाँ पे है जो पोर्ट्रेट मोड है ना, यहाँ पे क्लिक किया हुआ कुछ इस प्रकार से। जैसे मैं पोर्ट्रेट मोड यूज़ करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे क्या करेगा, जिस भी फोटो को आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपको जो वहाँ पे जहाँ फोकस करेंगे वहाँ पे आपको तो क्लियरिटी के साथ फोकस के साथ फोटो क्लिक होगा, और जो जैसे आप यहाँ पे बैक करेंगे तो आपको जो बैकग्राउंड रहेगा सिंपली यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो आपका जो पोर्ट्रेट मोड यूज होता है, आपका जो यहाँ पे डिवाइस यूज होता है, इसके अंदर आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो पूरा सेटिंग रहता है सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।